हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो दिसंबर 2023 का जो पेपर है उसके पार्ट टू के साथ हैं। आज करेंगे पार्ट टू। पहले हमने पार्ट वन किया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें ये हम ये कह सकते हैं, अगर इस कोर्स को 2005 से लेकर और आज तक का 2023 तक के पेपर इसमें आने वाले हैं, 2018 तक के ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बाद 2023 का हम पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जिसको देखने के बाद कुछ भी मत आप पढ़ो, इसको देखो। और जनरली जो आपको एक किताब पढ़नी चाहिए वो आर्य टाइम्स कंपटीशन पढ़ लो, कोई आपका जेआरएफ रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें हिस्ट्री 3 बार पढ़ाया गया है। इस कोर्स के रिलेटेड आपकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर है मेरा, इसको मैसेज कर दीजिएगा। ये नहीं, ये नंबर नहीं लगे तो ये है, क्योंकि मैं एक ही चीज चाहता हूं कि मार्केट में एक ही कोर्स ये रहे जो आपको काम आए। हर तरह के पेपर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देना चाहते हैं, किसी भी स्टेट का, नेट का, किसी भी स्टेट के सेट का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नील दर्पण। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? नील दर्पण जो नाटक था उसके लेखक कौन है? देखिए, नील दर्पण जो नाटक लिखा गया है वो किसके, दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। बाकी ये जो नील दर्पण नाटक लिखा गया है ये नील विद्रोह पर लिखा गया है। ये नील विद्रोह 1800 कब हुआ था? 1859 में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला पहला किसान आंदोलन था ये। हाँ, होने वाला प्रथम किसान विद्रोह। ये बात आप ध्यान में रखिए, ये कहां पर हुआ था? बिल्कुल दीनबंधु मित्रा नहीं, ठीक। उसके बाद देखिए, ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनके ना इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बंगाल के एक बहुत ही मतलब प्रसिद्ध रचनाकार थे, साहित्यकार थे। और इनका जो पहला पहली रचना थी दुर्गेश नंदिनी, क्या थी? दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश पहली रचना थी दुर्गेश नंदी, दूसरी रचना थी इनकी वो थी कपाल कुंडाला। कपाल कुंडला, कपाल कुंडला इनकी दूसरी रचना थी। और बंगला साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने का श्रेय जाता है इनको। ये जनमानस तक पहुंचाए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और लिखा जो नाटक उपन्यास लिखा, आनंद मठ। आनंद मठ में क्या है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन। क्या है वंदे मातरम, महाराष्ट्र गीत है जो, और वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन। अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आप ध्यान में, और जो बंकिम चंद्र चटर्जी है इनकी अंतिम रचना जो थी वो कौन सी थी, वो सीताराम। दूसरी एक और इनकी ढंग दर्शन इनकी मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका का नाम क्या था? उभंग दर्शन इनका मासिक पत्रिका का नाम था। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। चलिए, अगले जो नाम है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गरम दल के एकमात्र नेता थे ये।
मत नहीं था। नहीं थे मुझे भी, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इनको क्या कहा जाता था? शेरे पंजाब, और पंजाब को पंजाब केसरी। पंजाब केसरी इनको कहा जाता था। इन्होंने क्या किया था? पंजाब नेशनल बैंक किसानों में योगदान दिया। आज भी प्रसिद्ध बैंक है ये। साथ साथ इन्होंने लक्ष्मी बीमा कंपनी आरंभ की थी। ये बात आप ध्यान में रखिए। और इसमें 1886 में कई लिख रहे हैं हम सारा, ये 1886 हंसराज के साथ मिलकर डीएवी जो संस्था है ना, स्कूल शुरू किया। हाँ, जगह जगह पे आपको ये संस्थाएं मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद साथ बात क्या हुआ, 1907 में साथ जी, मांडले भेजा गया इनको। ये भी ध्यान में रखा, मांडले भेजा गया, और उसके मांडले भेजा गया। और इन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी से, स्वराज पार्टी स्थापना आपको पता है 1923 में, से विधान परिषद के सदस्य बने। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और फिर जब ये स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने की थी ना, विवादों ने के बाद किसकी स्थापना की, नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। 1920 में आईटीयूसी के प्रथम अध्यक्ष बने, और उसके बाद 1928 में साइमन का कमीशन विरोध करते हुए, विरोध करते हुए गाड़ी। ठीक है, और फिर निधन हुआ। फिर इस बारे में पूरी और डिटेल बात करेंगे। इन्होंने और क्या किया था, यूएसए में लीग की स्थापना की थी। हमारा उत्तर इसका ये है, लेकिन इसकी जानकारी इसके साथ में आपको बोनस जानकारी इसकी। भारत में वर्ण आश्रम, धर्म से निम्नलिखित में से क्या निरूपित होता है? वर्ण, वर्ण आपको पता है, एक वर्ण एक व्यवस्था थी इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त। है
ना, पुरुषोक्त में मिलता है, ठीक है। चारों वर्ण है, चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, है ना। ये द्विज हैं, द्विज की श्रेणी, ये द्विज आते हैं, तीन द्विज हैं, ये द्विज नहीं है। तो इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था। वर्ण व्यवस्था थी, ये जन्म आधारित थी, सॉरी जन्म कर्म आधारित, सॉरी ठीक है। तो इसमें बौद्धिक योग्यता का योगदान है, क्योंकि जो योग्य, जो जिसका जैसा बौद्धिक स्टेटस होगा, कैपेसिटी होगी, उसके अनुसार ही उसका वो कर्म करेगा, है ना। समाज के कार्य कारण उसी से, इसे मतलब क्या था, वर्क का जो कौन क्या करने वाला है, वो अपने गुणों के आधार पर उसका लेबर का डिवीजन होगा, ये ठीक है। व्यापार और वाणिज्य का महत्व इसमें है, ठीक है। वैसे व्यापार करेंगे, श्रमिकों और कर्मकारों की आवश्यकता, इससे मतलब चीजें अलग अलग डिवीजन होकर आ गई। इसमें जाति प्रथा को इसने कोई बढ़ावा नहीं दिया, तो इसमें इसको छोड़ दो, बाकी सब हैं क्या। जाति प्रथा को इसने कोई बढ़ावा नहीं दिया। एक समाज में, समाज में क्या था? इसकी इस व्यवस्था में व्यवसाय जो परिवर्तन है वो संभव था। जैसे आज जाति, जो जाति आधारित समाज है, उसमें व्यवसाय परिवर्तन बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण कोई लोहार का काम करे या नाई का काम करे तो वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन इसमें जैसा गुण है जिसके अंदर वही करेगा, जैसे एक ऋग्वेद के 9वें मंडल में मंडल में क्या जिक्र मिलता है कि में कहा गया है, ठीक कि मैं कवि हूं, कवि मेरा पिता वैद्य है, ना मेरी माँ अन्न पीसती है, ठीक है। मतलब ये देखो पीसती है, ये सारे क्या लोग हैं, एक ही इसमें क्या उदाहरण है जो कि इस बात का उदाहरण है कि एक घर में लोग घर में रहते हुए भिन्न भिन्न व्यवसाय कर सकते थे। तो यही वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था है वो कब थी, ऋग्वेदिक पीरियड में। उधर क्या हुआ, निम्न में से कौन से इतिहासकारों, निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकारों की इतिवृत्ति से जुड़ा है, इतिवृत्ति से कौन कौन जुड़े हैं, कौन जुड़ा है इतिहासकारों की इतिवृत्ति से, ये लूसिन फेवरे से इतिहासकारों की इतिवृत्ति से जुड़ा था। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा
इन्होंने क्या दिया था, संभववाद शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। संभववाद का प्रयोग किया। दूसरा, ये फ्रांसीसी विद्वान थे। तीसरा, और इतिहास की इतिवृत्ति से मतलब है इतिहास, इतिहास की वृत्ति से मतलब है इतिहास में वो महत्व। कालक्रम को ऐसा, अगर भारत के संदर्भ में गए तो भारत के संदर्भ में राजतरंगिणी जो कल्हण की है ना, पहली मान ली। ध्यान में ठीक है। इसमें क्या किया गया, में प्राकृतिक पर्यावरण को अपेक्षा उस चेंज को ना, जो की अपेक्षा मानवीय परिवर्तनों तथा कार्यों को महत्व दिया। के साथ सब कुछ बदला है, इसने कहा कि मानव के जो प्रयत्न है और कार्य है वो तो महत्व दिया गया है इसमें, के कारण चेंज आया है, ये बात इसने कही ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स को आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स समाजवाद के लिए प्रसिद्ध हैं, इनको इन्होंने 1867 में डायस कैपिटल लिखी थी। टास्क कैपिटल लिखी और वर्ग विहीन समाज की को महत्व दिया इन्होंने। ठीक सोच, इन्होंने एक द पावर्टी ऑफ फिलोसफी लिखे उन्होंने। ठीक बात, अर्नोल्ड टाइन भी है जो इनका टाइम ने क्या, इन्होंने स्टडी ऑफ हिस्ट्री कैपिटल और जिसमें क्या है, जिसमें तो की 26 सभ्यताओं के विकास और पतन का वर्णन है, पर पतन का वर्णन है ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी एंड वार स्टडी ऑफ, ये लिखी थी इन्होंने 1934 लेकर 1900 ठीक है। उन्होंने नेशनलिटी के नेशनलिटी एंड वार तो 15 में लिखी, द न्यू यूरोप लिखी उन्होंने एक
ये भी 1915 की थी। द सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, ट्रायल 41, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, ठीक है 1952, और एन इंट्रोडक्शन अप्रोच टू रिलीजन, ये किताब लिखी। इंट्रोडक्शन अप्रोच, टू रिलीजन, सॉरी ये सारा इनके बारे में था। तो हमारा उत्तर इसका लुईस फेब्रे था। निम्नलिखित जो घटनाएं हैं उनको कालक्रम में घटनाएं हैं, इवेंट हुए हैं, जो मुजफ्फरनगर षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1908 में, ठीक है 1908 में ये हुआ, और में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, है ना, किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था इन्होंने, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस 1929-30, जो कि भगत सिंह और उनके साथियों पर चला था। काकोरी आपको पता है 1925, ट्रेन लूटी गई थी 1925, स्टेट डाउन टाउन ट्रेन लूटी गई थी ना, ठीक है। और ये काफी उन्होंने बम फेंक दिया था। और इसमें नासिक षड्यंत्र केस में जो क्या हुआ था, इसमें 29 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, ठीक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और है ना रोशनलाल रेड्डी को इसमें फांसी हुई थी। और काकोरी कांड के सरकारी जो वकील थे, ठीक है, सरकारी वकील कौन थे, जगत नारायण थे, ठीक है। और क्रांतिकारियों को बचाने का प्रयास किसने किया था, बचाने का प्रयास गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक नीति बनाई गई थी। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ ना, इसमें 31 साम्यवादी नेता पकड़े गए। ठीक इसमें 3 यूरोपियन थे, ठीक और उसके बाद कानपुर 1924 में, ठीक में मानवेंद्र है ना, ये लोग थे मानवेंद्र नाथ और ये लोग थे। तो इसमें देखिए सबसे पहला 1908 ए सबसे पहला होगा, उसके बाद 1924 ई पहला होगा, ये दूसरा होगा, उसके बाद सी तीसरा होगा, उसके बाद डी चार होगा। कई बार ये लाहौर षड्यंत्र केस, एक 1915 में भी हुआ था उसका भी ध्यान में रखना, लाहौर षड्यंत्र केस था 1915 में भी हुआ था है ना, जिसमें रास बिहारी बोस ने इसकी योजना बनाई थी और बाद में ये लोग पकड़े गए थे, ठीक है। ये इसका बार उत्तर है। इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक सोर्स, देखिए दो तरह के साहित्य सोर्स होते हैं, लिटरेरी सोर्स
और आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक, आते हैं अभिलेख, आते हैं क्या आते हैं, ये इसमें साहित्यिक सोर्सेज में क्या शामिल नहीं कि सारे हैं। मैक्सनीज गिंडी का मौर्य के दरबार में आया, भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत है। ये और भाई सात वर्गों में इसने बांटा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और इसमें क्या है राजनीतिक लिखी, राजनीति पर लिखी, राजनीतिक शास्त्र। नगद वेतन का प्रथम उल्लेख है। ठीक है, और स्त्री धन का उल्लेख सिद्धांत, कौटिल्य ने लिखा था, में भी नहीं है। ठीक है, तो सूची एक को सूची दो से मिलाना है कि कौन सा कहाँ है उसके बारे में बताना है। तो कालीबंगा राजस्थान में है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये। यहां से क्या मिला है, ऊंट की हड्डियां मिली। ठीक है, शल्य चिकित्सा का उदाहरण मिला है। शल्य चिकित्सा का उदाहरण यहां से एक साथ दो फसल। चना और सरसों, के बाद तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है ये, है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में क्या है, मार्तंड मंदिर है, ये बनवाया था ललितादित्य मुक्ता भिड़ ने बनवाया था। पराजित किया था। ठीक है, चीन में अपना दूत 1733 में चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। ठीक है, तो और उसके बाद आता है गुजरात में कौन है, लोथल है ना, यहाँ गोदीवाड़ा।
प्रमुख बंदरगाह था। मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। हाँ है।